सो हाय एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपई और आज हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से 5 प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं जो कि रिसेंटली जेई मेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, सो दैट यू रियलाइज कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। दीज आर लाइक वेरी इजी चैप्टर्स, तो इन पे हमारी पकड़ बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। जैसे देयर आर सम चैप्टर्स यूनिट एंड डायमेंशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जिनमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है गाइज, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सब चैप्टर के फटाफट हम लोग दो दो तीन तीन दिन में आप इनको पढ़ सकते हैं और फटाफट आप नंबर भी स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन देखने जा रहे हैं विच इज़ फ्रॉम जेई मेंस 2017। और देखिए क्या है, सो व्हाट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर सैम्पल हैविंग इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन ऑफ 5×10⁻¹⁸ इंटू अपॉन मीटर क्यूब होल कंसेंट्रेशन and electron movability and hole movability is given here. तो हमें conductivity of semiconductor sample पता करनी है। तो एक बात समझिए, electron concentration का मतलब है कि अगर एक meter cube का semiconductor device लें तो उसके अंदर 5×10⁻¹⁸ जो है electrons होंगे, ये इसका मतलब है। और कितने holes होंगे, 5×10⁻¹⁹। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं holes ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है। तो पी टाइप का मटेरियल लग रहा है ये, और इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स आपको कौन है, होल है, और माइनॉरिटी कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों ही लाइक हेल्प करने वाले हैं इन द कंडक्टिविटी, यानी कि दोनों की ही कंडक्टिविटी हमको यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या फार्मूला क्या है। तो इट्स अ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल हमसे आसानी से हो जाने चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और म्यू से हम लोग मूवेबिलिटी को दिखाते हैं, प्लस नंबर ऑफ होल्स एंड मूवेबिलिटी ऑफ होल्स इनटू चार्ज, दिस इज़ योर कंडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूले में बस हमको वैल्यू रखनी है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पर मीटर क्यूब, दैट इज़ 5×10⁻¹⁸, एंड कितना है हमारा मूवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ क्वाइट लार्ज। फिर होल का कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 5×10⁻¹⁹। तो आप देख सकते हैं कि आसानी से होल्स नहीं मूव करते हैं जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये डेटा से आपको क्लियर होना चाहिए। और एंड दिस इज़ लाइक आपका 0.01, यानी कि 10⁻²। और फिर हमें इसको चार्ज से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन के चार्ज, प्रोटॉन दोनों के ही पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, उसके लिए ये हुआ है। तो अब आप यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कि ये जो 10 है ये 10 बन जाएगा 10⁻¹⁹, ठीक है। तो इस 10⁻¹⁹ को हम बाहर कर लें, यहाँ से भी बाहर कर लेते हैं गाइज, और यहाँ से भी, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये 10⁻¹⁹ यहाँ पहुँच के इसको ख़त्म कर देगा। सो बेसिकली आप देखें तो ये हो गया 1.05 हो जाएगा, 1+5×10⁻¹⁵, एंड दिस इज़ लाइक 1.6। तो जो भी आंसर 1.6 के आसपास हो वही हमारा आंसर हो जाएगा, एंड दिस इज़ लाइक 1.68। 16 × 5 = 80 होता ही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया है। एंड नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स। सो नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट वाज आस्क्ड इन जेई मेंस 2016। और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड अनडोप्ड सिलिकॉन इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 300 to 400 केल्विन इज़ बेस्ट डिस्क्राइब बाई। तो इन चार जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं उसमें से जो टेम्परेचर का डिपेंडेंस ऑन द रेजिस्टेंस, एक तो कॉपर के ऊपर और एक दूसरा अनडोप्ड सिलिकॉन के ऊपर जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो बातें हैं जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम यहाँ पे समझना चाहेंगे। तो फर्स्ट थिंग दैट इज़ कि आपको ये समझना है कि कॉपर एक मेटल है, ठीक है, और जो अनडोप्ड सिलिकॉन है वो एक क्या है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और कैसा है, इंट्रेंसिक अनडोप्ड, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। तो दोनों का जो डिपेंडेंस होता है टेम्परेचर में वो अलग होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि नॉन ओमिक होता है, दैट इज़ ओमिक होता है, सब आपने पढ़ा होगा। तो जो टेम्परेचर का डिपेंडेंस है, लाइक अगर रेजिस्टिविटी का देखा जाए, सो दिस इज़ लाइक जो मेटल होता है उसका कुछ इस तरीके से,
यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लीनियर पावर जो है यहाँ पर कैसा है, पावर इज लाइक वन, तो जो आपका रेजिस्टिविटी है दैट इज लीनियरली डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो मतलब डायरेक्ट ही रिलेटेड है, तो क्योंकि एल और ए में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो मेजर जो पड़ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिविटी, एंड इफ यू आर इंक्रीजिंग द रेजिस्टिविटी देन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो यानी कि लीनियर इंक्रीज वाला तो सही है, तो ये पहला लीनियर इंक्रीज बता रहा है, तीसरा भी बता रहा है, और तो मतलब एक ही रिजेक्ट कर पाए हम लोग, ठीक है। अब बात आती है सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का जो फॉर्मूला है गाइस कंसंट्रेशन का, बेसिकली एन इज इक्वल टू एन नॉट ए की पावर माइनस डेल्टा ई जी अपॉन के टी, ऐसा है। अब देखो पावर नेगेटिव में है तो उसको थोड़ा सा नीचे भेज दें जिससे कि थोड़ा आपको समझ में आए, ठीक है, ऐसे है। अब देखिए अगर आप टी को बढ़ाएंगे तो जो ई का पावर है वो कम होगा, है ना, टी डिनोमिनेटर में है तो वो ई की पावर को कम करेगा, तो कम करेगा तो एन कम से डिवाइड होगा, यानी कि ओवरऑल आपका एन जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है आपका, क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन, दिस इज कंसंट्रेशन। अब सोचिए कि कंसंट्रेशन अगर आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि आपकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है एक्सपोनेंशियली, आपकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है एक्सपोनेंशियली, अरे घट रही है, आई सो टोल्ड, अच्छा ठीक है, तो ये टी को बढ़ाया तो हाँ आपकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, बिकॉज व्हाट हैपेंड कि टेम्परेचर बढ़ाने से ई का फैक्टर कम हो गया, तो कम से डिवाइड हो रहा है तो एन बढ़ गया, तो आपकी रेजिस्टिविटी यानी कि आपकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है। अब कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो इसका मतलब कि आपकी जो रेजिस्टिविटी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस बढ़ रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा आपका रेजिस्टेंस, तो ए जो है वो आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। सो दैट वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2016। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। So guys, let's do this question that was asked in JEE Mains 2018 recent question. The reading of the ammeter for a silicon diode in the given circuit is 0, 15 milliampere, 11.5 milliampere and 13.5 milliampere. तो ये देखिए यहाँ पे डायोड लगा हुआ है और ये आपको पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज़ 200 ओम एंड दिस इज़ लाइक 3 वोल्ट बैटरी दैट इज़ बीइंग यूज्ड हियर। अब हमें यहाँ पर निकालना है कि एमीटर पे कितना करंट होगा, तो सबसे पहले लाइक इट इज़ डायोड तो पॉजिटिव इज़ एडेड विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव का टर्मिनल नेगेटिव से एडेड है, तो यानी कि ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है, और सिलिकॉन का डायोड है तो इसका जो बैरियर पोटेंशियल होता है इन फॉरवर्ड बायस, ये सब याद कर लीजिए आप, सिलिकॉन का कितना है, ठीक है, दैट इज़ लाइक 0.7 वोल्ट, ठीक है, तो बैरियर पोटेंशियल इज़ लाइक 0.7 वोल्ट। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, क्योंकि इसमें इसको हटा के बैटरी जैसे लगा दी जाती है 0.7 वोल्ट की, तो वो अब हमारा क्वेश्चन रह गया। बेसिकली अब हमें आई निकालना है, तो आई इज़ इक्वल टू नेट वोल्टेज यानी 3 माइनस 0.7, बिकॉज प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और कितना रेजिस्टेंस है आपका 200, सो दिस इज़ लाइक 2.3/200, तो 2.3/200 यानी कि इसको मैं डिवाइड कर दूँ, ये कर दूँ लाइक 2 अलग करके 1 कर दूँ, तो 23×10⁻³ एम्पियर, यानी कि ये मिली एम्पियर हो जाएगा, तो 23/2
तो 2 1 2 2 1 2 11.5 मिली एम्पियर. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर थोड़ा भी आप पढ़ लें गाइस तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th. So now let's do this question number 4 that was asked in 2015 and similar question is given in NCRT. ठीक है, तो NCRT के अगर आप numericals कर लें तो JEE mains के आप like mostly आप कर सकते हैं. अगर previous year कर लें और NCRT केवल कर लें तो you will be able to solve the JEE mains question. A red LED light emits at 0.1 watt uniformly around it. The amplitude of electric field of light at a distance of 1 meter from the diode is. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है गाइज कि ये सोर्स है हमारा, तो जो पावर जब हमें गिवन रहता है तो हम इंटेंसिटी निकालते हैं एंड लाइक इंटेंसिटी इज गिवन लाइक पावर अपॉन एरिया. ये पता होना चाहिए आपको, वेव्स में आप पढ़ते हैं इसको. इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज गिवन एज पी अपॉन 4πr². ठीक है, और जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होती है दैट इज़ लाइक हाफ एप्साइलम नॉट ई स्क्वायर होती है. ठीक है, क्लियर है बात. सो एनर्जी इज गिवन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एंड दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, एंड दिस कैन बी लाइक गिवन एज आई बाई सी. इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई बाई सी, यानी कि इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट कैन बी रिटन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ई निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 2i/c एप्सिलॉन नॉट और ये आपका अंडर रूट हो गया. तो ये सब फॉर्मूले हैं, इफ़ यू डोंट रिमेंबर फॉर्मूले देन इट्स लाइक अ बिग प्रॉब्लम. तो 2/c इंटेंसिटी की जगह रख दो पावर 4πr² एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट. बस ये अब हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए. r तो 1 है सो दिस इज लाइक 4πε0, सो 1/4πε0 इज वॉट 9×10⁻⁹, तो उसको यहाँ लिख दो. और C जो है दैट इज़ 3×10⁸ हो गया. पावर कितना गिवन है 0.1, तो उसको भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो पावर को रख के, तो ये 0.1 इसको 10⁸ बना देगा. ठीक है, और 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा और 3×3 = 9 कट जाएगा. तो बेसिकली यू आर गेटिंग √6. अब आपको √6 की वैल्यू तो आती होगी एंड दैट इज़ नथिंग बट 2.45 के अप्रॉक्सीमेटली. तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है एंड वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स नाउ क्वेश्चन नंबर 5. अब लेट्स डू दिस नाउ क्वेश्चन. फॉरवर्ड बायस डायोड कनेक्शन इज, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस कनेक्शन. अच्छा, अगर ये मैं बोलूँ कि अगर मुझे कुछ भी ना आता हो तो मैं ऑड मैन आउट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि इसमें 3 गलत होंगे और 1 करेक्ट होगा, तो वो ऑड मैन आउट होना चाहिए, यानी कि वो अलग दिखना चाहिए जिस जो यहाँ पे आंसर होने हो. तो कई बार हम लोग छोटा छोटा ऐसा लॉजिक लगा के भी क्वेश्चन कर सकते गाइस. तो ये 2014 का क्वेश्चन है. अगर मैं देखूँ कि क्या अलग है किसी में, सबसे पहले तो चलो कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं कि फॉरवर्ड बायस्ड होने का मतलब है कि पॉजिटिव जो है वो हायर पोटेंशियल से जुड़ा होना चाहिए और जो निगेटिव है वो लोअर पोटेंशियल से जुड़ा होना चाहिए. ठीक है, यानी आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव पॉजिटिव से और निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज़ निगेटिव जुड़ा. मैं उसका कहने का मतलब होता है कि पॉजिटिव जो है हायर पोटेंशियल से जुड़ा होना चाहिए और निगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल से. अच्छा देखो, ये पॉजिटिव वाला है पार्ट पी एंड दिस इज निगेटिव वाला पी एन. ठीक, तो ज़्यादा वाले से जुड़ा होना चाहिए, तो 2 वोल्ट यहाँ पर है और ये -2 वोल्ट, तो ये ज़्यादा है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है. बस इतना देखना है. यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर है, तो ये नहीं है, बराबर नहीं है. ठीक, ये देखो यहाँ पर रिवर्स बायस्ड है,
क्योंकि ज़्यादा वाला निगेटिव से जुड़ा है और कम वाला पॉजिटिव से, ज़्यादा वाला निगेटिव से कम वाला। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें केवल एक ही ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये ज़्यादा है और कम है, अदरवाइज या तो इक्वल है या तो फिर इधर वाले ज़्यादा है। तो ऑड मैन आउट से भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको आइडिया ना हो। सो गाइज, इफ़ यू वॉन्ट कि आप मॉडर्न फिजिक्स से और भी क्वेश्चन देखें तो आपको इस वीडियो में 20 लाइक्स देने पड़ेंगे, देन ओनली आई विल बी मूविंग फॉर मोर क्वेश्चन। एंड आई कैन टेल यू कि बहुत आसान होता है, अगर आप कुछ क्वेश्चन देख लें गाइज तो यू आर गोइंग टू डू वेरी गुड और आप आराम से जो है यहाँ पे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। तो सी यू गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट। बाय बाय गाइज। Thank you.